गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को व्याकरण का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों हम लोग सेकंड चैप्टर किए थे जिसमें था वर्ड विचार, ठीक है। लोगों को पता था जो भाषा है उसको व्याकरण को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण विचार के बारे में, तो आज हमारा टॉपिक है शब्द विचार, ठीक है। शब्द क्या होते हैं, शब्द के बारे में जानेंगे हम इसमें, ठीक है। कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। इससे पहले समर वेकेशन से पहले आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर व्याकरण का कम्प्लीट था, और लिटरेचर जो हिंदी साहित्य है उसका भी आप लोगों का दो चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले हम व्याकरण करेंगे, उसके बाद लिटरेचर। देखिए बच्चों, शब्द क्या होता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि क्या होता है। वर्ण को तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हिमालय, ठीक है, हिमालय लिखा, हिमालय कैसे लिखा जाता है, ह प्लस छोटी प्लस म आ प्लस ल प्लस, ठीक है। ये इसमें क्या किया हमने, एक एक वर्णों को जोड़ा है, ठीक है। ये क्या एक वर्ण है ना, तो पता है आप लोगों को वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जहाँ से भाषा की शुरुआत की जाती है। तो ये जो है वो क्या है, एक ये सिंगल वर्ण यानी कि अक्षर जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके बस यहाँ से जो है ये भाषा की इकाई है, नींव है, स्टार्ट होती है भाषा यहाँ से, ठीक है। अब इसको जोड़ने से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। तो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनि, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसी ध्वनि जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट होकर किसी भाव या अर्थ का संकेत करे, ठीक है। ऐसी ध्वनि जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से, यानी कि ये वर्ण है, ठीक है, इसके समूह, इसका ग्रुप बनेगा, इसके माध्यम से जो कोई विचार प्रकट करती है, अर्थ प्रकट करती है, ठीक है। अब जैसे मैंने हिमालय लिखा, तो हिमालय से अर्थ प्रकट हो रहा है ना, इस ध्वनि से जब एक एक वर्ण जुड़े हैं तो इनके ग्रुप बनने से क्या बना है, हिमालय बना है। हिमालय का क्या अर्थ निकलेगा, क्या भाव निकलेगा, ठीक है, हिम का आलय, हिम का स्थान, ठीक है, बर्फ का स्थान। तो इससे हमें ये समझ में आता है, ऐसी वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनि, सार्थक मैंने बता दिया कि जिसका अर्थ हो, जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट हो, यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों के समूह, एक वर्ण है दो वर्ण है, ठीक है, तो एक वर्ण से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के माध्यम से प्रकट होकर किसी अर्थ की ओर संकेत करे, उसे शब्द कहते हैं, ओके। अब आता है पद, पद किसे कहते हैं, तो शब्द की सत्ता स्वतंत्र होती है, उसका अर्थ परंपरागत रूप में ही ग्रहण करने करते हैं। अब देखिए शब्द जो है स्टार्टिंग से हिमालय किसे बोला जा रहा है, हिम के स्थान को बोला जाता है। तो हम शब्द की दृष्टि से हम यही देखते हैं कि जो परंपरागत रूप से इसका जो अर्थ निकलता आ रहा है वही हम इसको समझते हैं, ग्रहण करते हैं। किंतु शब्द जब किसी वाक्य का अंग बन जाता है, ठीक है, अब जब शब्द किसी वाक्य का अंग, यानी कि एक एक शब्द जुड़कर जब वाक्य का अंग बन जाता है और उन शब्दों को सुनिश्चित क्रम से वाक्य किसी भाव विचार को धारण करता है और उसको एक मतलब क्रम से लगाया जाता है, सही क्रम से लगाया जाता है, ठीक है, और उससे अगर एक विचार या भाव प्रकट होता है, सही अर्थ प्रकट होता है, सही भाव प्रकट होता है, तो तब वाक्य में शब्द पद नाम धारण करता है, उस समय जो ये वाक्य होता है वो पद नाम धारण कर लेता है, ओके। तो आप लोगों को शब्द के बारे में समझ आ गया। अब आता है शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद हैं, तो बच्चों शब्द के एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद प्रयोग के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसमें इसके जो उपभेद हैं, एक तो रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक और तीसरा योग, ठीक है। आप लोगों को मैंने सिक्स और सेवन्थ में भी पढ़ाया है ये,
उतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, रूट शब्द जो है वो किसे कहते हैं, तो जो शब्द अपनी रचना के योग से बने हो, ठीक है, और उनके अर्थ रूढ़िगत तथा सार्थक हो। यदि शब्द के टुकड़े किए जाए तो किसी भी अर्थ का बोध ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा, ठीक है, अब इसमें से मैं बे अलग करती हूँ, टा अलग करती हूँ, इसके मैंने टुकड़े तो कर दिए। हाँ, हम टुकड़े तो कर सकते हैं इसके, लेकिन इसमें इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। जैसे अभी हमें हिमालय ही था, हिमालय में मैं हिम को अलग कर दूंगी, आलय को अलग कर दूंगी, तो हिम का अर्थ निकलेगा बर्फ, ठीक है, आलय का अर्थ निकलेगा स्थान, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग करने पे तो इनका अर्थ निकलता है, लेकिन रूट शब्द जो लिखते हैं हम, उनको अगर हम टुकड़े कर दें, उनके यदि हम टुकड़े कर दें, ठीक है, तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो रूट शब्द उसे का, और जो परंपरागत रूप से एक ही अर्थ के लिए जाना जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे कमल, कमल को भी आप लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टुकड़े नहीं कर सकते, अगर कर भी देते हैं तो उसका कोई भी सही अर्थ नहीं आएगा। सूर्य है, सूर्य को भी नहीं कर सकते हैं, धरा को भी नहीं कर सकते, तो ये सब जो शब्द है ये रूढ़ शब्द होते हैं, इनके यदि टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, ठीक है। अब मैंने ये बताया ना हिमालय का हिम प्लस आलय, तो इसमें क्या, एक तो हिम है और दूसरा आलय, तो ये दो दो शब्द है, दोनों शब्द के अर्थ निकलते हैं अलग अलग करने पे इनको, ठीक है। तो जो शब्द दो या, यौगिक का मतलब ही होता है योग, ठीक है, मिलना, मेल से बना हुआ, ठीक है। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और सम्मिलित रूप से एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, उसका एक ही अर्थ होता है मिलने के बाद, उसका एक ही अर्थ निकलता है बस, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि पाठशाला, ठीक है, भोजनालय, भोजन करने का स्थान, ठीक है, कमल नयन, मनमोहन, ठीक है, इन सबको जो है हम अलग अलग कर सकते हैं। पीताम्बरधारी यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने पे भी इनका अर्थ निकलेगा, और जब हम इनको सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो ये एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। शब्दों का अर्थ यौगिक रूप से ही सार्थक है, शब्दों के दो या तीन भाग स्वतंत्र रूप से सार्थक है, किंतु पूर्ण शब्द का अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि शब्द यौगिक रूप में ही वंचित अर्थ देता है। जब इसका यौगिक रूप आता है तभी वो एक अच्छा अर्थ देता है, वांछित अर्थ देता है। उसके बाद आता है योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द में आप देख रहे हैं योग भी आया है और रूढ़ भी आया है, दोनों यानी कि इन दोनों जैसा, ठीक है, इन दोनों से मिला हुआ। तो वे शब्द हैं जो यौगिक किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे शब्द हैं जो यौगिक हैं किंतु सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते, एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। और यह विशेष अर्थ भी जो किसी विशेष भाव घटना कारण से रूढ़िवाची हो गया है, अर्थात उसकी वही अर्थ परंपरागत रूप में मान्य शब्दार्थ के आधार पर दूसरा अर्थ मान्य नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे दशानन, ठीक है, लिखा हुआ है दशानन, तो दशानन से आप लोगों को समझ में आ जाता है रावण, है ना, दशानन से क्या अर्थ समझ में आ जाता है, रावण, है ना। तो दश आनन, इसको जब अलग करेंगे दश आनन, तो इसमें एक शब्द निकलेगा यौगिक शब्द है, ठीक है, दश आनंद, दो अर्थ निकलने वाले शब्दों को जब टुकड़े किए तो इसके दो अर्थ निकले, ठीक है, एक तो दस और दूसरा आनंद, आनंद मतलब मुख होता है, ठीक है, तो और जब इसको जोड़े मिलाए तो क्या बन गया, दशानंद। तो और इसका एक ही प्रमुख अर्थ परंपरागत रूप से क्या आया है, दशानंद किसके लिए जाना गया है, रावण के लिए, ठीक है, एक ही परंपरागत रूप से एक ही अर्थ इसका प्रकट हुआ है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, और इसका कोई भी दूसरा अर्थ मान्य नहीं होता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कमल है, पंकज का अर्थ कमल होता है, यहाँ दिया हुआ है पंकज, पंकज का अर्थ कमल होता है, तो इसमें पंक प्लस ज, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। अब कीचड़ में तो अनेक कीड़े घास मछली आदि भी पैदा होते हैं, लेकिन पंकज सदैव एक ही अर्थ के लिए जाना गया है, कमल के लिए, ठीक है, तो इसका एक विशेष अर्थ हुआ है, ठीक है, पंकज किसके लिए जाना गया, सदैव कमल।
कमल कमल के लिए ही जाना जाता है परंपरागत बहुत ही पहले से। ठीक है, तो इसे यौगरूसक कहते हैं। ओके, तो आप लोग रूप शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप शब्द समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाऊंगी, तब तक आप लोग उसको रीडिंग करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट डे आप लोगों का, आज आप वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट डे आप लोगों पर जूम क्लास होगा जिसमें अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।